तो वक्त हो चुका है क्रिप्टो न्यूज ऑफ द वीक का, जहां एक तरफ हम देखेंगे कि साउथ कोरिया के अंदर एक्सचेंजेस को क्यों बंद कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि पेपाल अपना क्रिप्टो का जो ट्रेडिंग है वो कैसे बढ़ा रहा है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, मेरा नाम है श्रेयस सैनी और आप देख रहे हैं टोटल क्रिप्टो और ये चल रहा है हमारा क्रिप्टो न्यूज़ ऑफ द वीक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का आइकन दबाने मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ नंबर वन से, जो आ रही है पेपाल की तरफ से। पेपाल अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सपेंशन कर रहा है और वो यूके में भी बहुत जल्दी ट्रेडिंग खोलने वाला है, क्योंकि पेपाल के अंदर क्रिप्टो स्पेस में बहुत ही पॉजिटिव एंगेजमेंट देखा जा रहा है। पेपाल के सीईओ का कहना है कि पेपाल वर्क कर रहा है अपने ओपन बैंकिंग इंटीग्रेशन को खोलने के लिए। उनके सीईओ ने थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कि पेपाल इंटरेस्ट ले रहा है डीफाई सिस्टम्स के अंदर भी। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो आ रही है पोलैंड से। जी हाँ, पोलिश की जो पुलिस है वहां पर उन्होंने एक इल्लीगल क्रिप्टो माइनिंग के हेडक्वार्टर को पकड़ लिया है। जी हाँ, पोलिश पुलिस ने एक सीक्रेट क्रिप्टो माइनिंग के जो हेडक्वार्टर है उसको डिस्कवर कर लिया है वॉर्सो के अंदर, और ये पता लगा है कि एक आईटी स्पेशलिस्ट ने क्रिप्टो माइनिंग कर रखी थी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर ही। जी हाँ, एक आईटी स्पेशलिस्ट ने पुलिस के कंप्यूटर को यूज किया है क्रिप्टो माइनिंग के लिए, क्योंकि उसको अपने ग्राफिक्स को अपग्रेड कर उसको यूज करना था। लेकिन पुलिस को इस चीज की चिंता नहीं है कि उसकी माइनिंग की वजह से वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बढ़ जाएगा। पुलिस को चिंता है कि उसकी माइनिंग करने की वजह से क्या पता उनके हेडक्वार्टर का कोई डाटा लीक हो गया हो। लेकिन अब तक की रिपोर्ट से तो पता लग रहा है कि पुलिस का कोई भी डाटा कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, और पुलिस का कहना है कि उन्होंने ये केस डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस को ट्रांसफर कर दिया है और आगे उसके ऊपर कार्यवाही होनी है। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो आ रही है पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने एनएफटी लॉन्च कर दिया है अपने क्रिप्टो स्पेस के अंदर। जी हाँ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने वकार ज़का ब्लॉकचेन सिस्टम पर अपना एनएफटी लॉन्च कर दिया है और उसके ऑक्शन होना है। जी हाँ, उन्होंने ये न्यूज अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है कोलैबोरेशन करके टीनअप नेशंस के साथ। जी हाँ, शोएब अख्तर के इस स्टेप से पाकिस्तान के यूजर्स को एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब मिलेगा क्रिप्टो करेंसीज और एनएफटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। इससे पहले वसीम अकरम ने भी अपना बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर एनएफटी उतारा था। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो आ रही है साउथ कोरिया से। जी हाँ, साउथ कोरिया के अंदर 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को शट डाउन कर दिया गया है। जी हाँ, साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बंद कर दिया है एक फ्रॉड के चलते। जी हाँ, 11 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर इल्लीगली बैंक अकाउंट्स की डिटेल प्रोवाइड की जा रही थी, जबकि वहां के बैंक का कहना है कि उन्हें टॉप 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अलावा किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं करना है, किसी को भी कोई डिटेल नहीं देनी है। तो अगर वो ये डिटेल्स की परमिशन बैंक से लेने में नाकामयाब होते हैं तो उनके ऊपर अच्छा खासा केस बन सकता है। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो है फिर से मास्टर कार्ड की तरफ से। जी हाँ, मास्टर कार्ड ने एक बार फिर कॉइनजार के साथ अपना कोलैबोरेशन कर लिया है और वो अब एक और नया स्मार्ट कार्ड निकालने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए। जी हाँ, अब कॉइनजार अलाउ कर देगा लोगों को क्रिप्टो करेंसी में पे करने के लिए जहां पर भी मास्टर कार्ड का यूज हो रहा है। जी हाँ, यूजर्स को सिर्फ अपना क्रिप्टो करेंसी वहां पर सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट कर देनी है, उसके साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले तक क्रिप्टो करेंसी को यूजर्स को कन्वर्ट करना पड़ता था, उस कन्वर्ट को करने के बाद ही वो पेमेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब वो डायरेक्टली इस काम को कर सकते हैं। जी हाँ, वही कॉइनजार है जिसके अंदर आपको एक्टिवेशन भी फ्री में मिल जाता है और कोई मंथली चार्ज भी नहीं लगता, सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्ज आपको 1% देना पड़ता है। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर, जो है बिटकॉइन की तरफ से। जी हाँ, बिटकॉइन एसवी में 51% अटैक देखा गया है। जी हाँ, बीते 2 दिन पहले ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एसवी के अंदर 51% अटैक
अटैक देखा गया है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने 50% एक्वायर कर लिया है ब्लॉकचेन को। जी हाँ, जिस किसी माइनर ने भी ये काम किया है वो बहुत ही तेजी से हुआ है और उसके अंदर 50% तक एक्वायर कर लिया गया था, ग्रैब कर लिया गया था बिटकॉइन SV को। लेकिन उसके बाद अथॉरिटीज ने उसको वहीं पर बंद कर दिया नेटवर्क को। अगर उस माइनर की जो चेन थी वो पहले वाली एग्जिस्टिंग चेन यानी कि ओरिजिनल चेन से लंबी या बड़ी चेन बन जाती तो पूरा ब्लॉकचेन SV उस पर शिफ्ट हो जाता जो कि बड़ी चेन है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपकी जो ब्लॉकचेन है वो छोटी है और जो कोई ग्रैब करने वाला है वो कोई बड़ी ब्लॉकचेन बना देता है तो पूरा बिटकॉइन SV उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो करने से पहले ही अथॉरिटीज ने उसको बंद कर दिया, नहीं तो वो माइनर के पास पूरा चला जाता। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है वेनेजुएला से। जी हाँ, वेनेजुएलाई गवर्नमेंट ने ये हिंट दिया है कि वो फार्मिंग में क्रिप्टो बेस्ड लोन्स भी देने वाला है। जी हाँ, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने अभी होने वाली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये हिंट दिया है कि वो आने वाले टाइम पर एग्रीकल्चर के ऊपर क्रिप्टो बेस्ड लोन्स भी देने वाला है जिससे वो अपने एग्रीकल्चर की फाइनेंशियल को हेल्थ है उसको सुधार सके। और वो ये लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पर देने वाला है क्योंकि वेनेजुएलाई गवर्नमेंट को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इनकम पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी को हेल्प कर सकती हैं। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है FTX वॉलेट से। जी हाँ, FTX वॉलेट्स के अंदर अब बाइनेंस स्मार्ट चेन का सपोर्ट भी आ गया है। जी हाँ, कंपनी के CEO ने ये खबर ट्विटर पे दी है और उनका कहना है कि FTX वॉलेट के अंदर अब बाइनेंस USD और बाइनेंस कॉइन्स का सपोर्ट आ गया है। हालांकि ये सपोर्ट अभी USA के वर्जन के अंदर नहीं आया है क्योंकि वहाँ की रेगुलेशंस के हिसाब से आप ये सपोर्ट नहीं दे सकते। और आपको ये भी बता दें कि FTX वॉलेट की जो वैल्यूएशन है वो $1.2 बिलियन से बढ़कर $18 बिलियन हो गई है यानी कि करीबन 1400% की ग्रोथ। तो चलते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर जो आ रही है उरुग्वे से। जी हाँ, उरुग्वे ने अब एक नया बिल अलाउ कर दिया है जो कि क्रिप्टो पेमेंट्स में हेल्प करेगा। जी हाँ, वहाँ की गवर्नमेंट ने अब डिजिटल करेंसी को वहाँ पर एक वैल्यूएशन दे दी है और अब वहाँ के लोग उसको एक करेंसी के रूप में यूज कर सकते हैं और उसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, उरुग्वे गवर्नमेंट ने ये फैसला तब लिया है जब वो चाहते हैं कि वहाँ की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए और इन्वेस्टमेंट के भी बहुत तरीके ढूंढे जाएं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के वहाँ पर लीगल होने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। तो चलते हैं हमारी आज की आखिरी न्यूज की ओर जो आ रही है इथेरियम की तरफ से। जी हाँ, इथेरियम अब फाइनली लंदन हार्ड फोर्क पर आ गया है। जी हाँ, वहाँ लंदन हार्ड फोर्क पर आने से इथेरियम के फैंस के अंदर बहुत ज्यादा खुशी अब देखी जाएगी क्योंकि उसके आने की वजह से अब वहाँ के ट्रांजेक्शन और पेमेंट्स में बहुत ही तेजी आ जाएगी और अब उसके अंदर होने वाले ट्रांजेक्शन की बिट को भी आप मीडियम, लो और हाई में भी सेट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से वाली फीस देनी होगी। इससे पहले तक जब भी वहां पर ट्रांजैक्शंस की बिड लगती थी तो ये अनप्रेडिक्टेबल होता था कि फीस कितनी होगी, लेकिन इसके इथेरियम के आने के बाद अब यहां पर आप लो, मीडियम और हाई में इसको सेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्रिप्टो न्यूज ऑफ द वीक जो थी बीते पूरे हफ्ते की सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबरें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।